आमा येता का येता बेळगाव का चला की जाऊया सोबत सोबत चलो भाई चलते हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा बारिश, जा रहे हैं बेलगाम कोल्हापुर से और आप लोग देख सकते हो कि वेदर किस तरह से हो रहा है। ये देखिए मेरे पीछे बारिश है क्या? बहुत ज़्यादा बारिश है और ये समीर भाई है साथ में और मारी भाई है साथ में बात करते हुए। चलते हैं बेलगाम में, यहाँ पे पेट्रोल फ्यूल करा रहे हैं, फ्यूल कराएंगे पेट्रोल। यहाँ पे हम लोग अभी है बिल्कुल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर, ये भारत पेट्रोलियम का पंप है और रास्ते का सफ़र आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है और गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं है मेरे पास केस उसकी। तो आगे चलते हैं, आज दिखाएंगे बेलगाम में क्या हो रहा है, बने रहिए मेरे साथ में और वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारा मज़ा आने वाला है। ठीक है तो चलते हैं, मिलते हैं बेलगाम। हाँ साहिल भाई, कहाँ पे? संकेश्वर। ये देखो कितना बारिश से पानी, देखो और कितने दिन के बाद धूप दिख रही भाई। आठ दिन के बाद। कितने दिन के बाद? हफ्ते के बाद भाई संकेश्वर पहुंच चुके हैं हम लोग। और ये देखिए संकेश्वर हाईवे और यहाँ पे रुके थोड़ा सा, सोचा शूट कर ले आपको दिखाए। ये देखो बारिश का पानी, ये संकेश्वर का ब्रिज है, इसके पीछे और एक ब्रिज है और ये पानी की हालात। अरे भाई अभी किधर जा रहे? बेलगाम जा रहे बराबर ना? फोटो निकाल रहे, फोटो सेशन हो रहा है। अरे मेरे को भी लो ना भाई। अच्छा हम लोगों को भी ले लो। आप हाईवे देखो भाई, हम लोग फोटो निकालते हैं। आप लोग हाईवे देखो, हम लोग फोटो निकालते हैं। आप बने रहे मेरे साथ में, ये गाड़ी एक बंद हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये गाड़ी का। और ये मेरे बुलेट, ये साहिल भाई की पर्सल और ये है हिमालयन समीर भाई की और ये है बारिश का पानी। कोल्हापुर में इतनी बारिश है कि 5-6 दिन हो गया सूरज नहीं दिखा है। अभी कितना टाइम हो रहा है भाई, टाइम बताओ जरा प्लीज, टाइम कितना हो रहा है? टाइम चेक। अरे नहीं है, घड़ी नहीं उसमें है क्या है फिर? अच्छा दिखाओ कितना बजा अभी। रात्रि 10:53। कितने बजे निकले हम लोग? 10 बजे क्या? 9:30। 9:30 निकले और अभी यहाँ पे 11 बजे तकरीबन पहुँच चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता चल रहे, बारिश बहुत तेज है भाई। मामा ये तक का ये तक बेळगाव का चला की जाऊया सोबत सोबत। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा सा दूर देखते हैं। नहीं अन्ना से पूछा आते क्या? बोले नहीं आते। भाई लोग सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा हौसला मिलता है। मारी भाई एंट्री मारते हुए, मारी भाई गोली काट डालूंगा। अरे समीर भाई आते हुए, थोड़ा सा बारिश की वजह से
प्योर वेज आनंद आए हैं नाश्ता करने के लिए। अब बैठने के लिए तो जगह है, एक खूबसूरत सा छोटा सा होटल है। क्या है नाश्ता रे? पूछा इडली पूरी भाजी। इडली सर आप क्या खाएंगे? इडली खाएंगे, पूरी भाजी खाएंगे, डोसा खाएंगे, डोसा उत्तपा खाएंगे। क्या भाई तू क्या खाने वाला है साहिब? मैं पूरी भाजी। पूरी भाजी तू क्या खाएगा भाई? इडली। इडली डोसा नहीं है? डोसा नहीं। इडली दे दो, इडली के साथ सांभर है। अच्छा हाँ सांभर इडली दे दो, दो इडली दो और एक पानी का बॉटल दो। नहीं नॉर्मल भाई, कोल्ड नहीं देना। कोल्ड देगा तो क्या हो जाएगा भाई, कोल्डेस्ट। चलो नाश्ता करते हैं, आपको मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। या नहीं अभी नाश्ता भी दिखाएंगे ना, कैसा है वो इडली। तमिलनाडु में यही खाना है ना? हाँ यही खाने का। एक हफ्ता तमिलनाडु में भाई यही खाना है। जा रहे कन्याकुमारी को 1 सितंबर को। कौन सा है? एक्वारिया। गोकाक डैम का पानी है। बिस्लेरी बोलते रहे हो। कहा है इतना ही पैसा है क्या तेरे पास? पैसे समीर जरा इंतजार करना चाहिए ना इंसान का। वो नाश्ता आ रहे भाई, अपने साथ वाला खाने वाला है। जब सदा सुखी। वॉलेट वॉलेट भाई वॉलेट भाई वॉलेट अभी वॉलेट। आ जाओ भाई शुरू करते हैं। इडली सांभर चटनी। गाइज फाइनली बेलगाम पहुँचे हैं। ये हमारे समीर है ना, इनके पप्पू के घर पे अभी पहुँचे हम लोग। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है तो अभी इसके बाद में कितने बजे? 1 बजे बहुत ज़्यादा टाइम गया पहुँचते पहुँचते। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अभी खाने का प्रोग्राम है तो खाना खा के फिर आगे बात करते हैं। वापसी का प्रोग्राम है। बारिश इतनी तेज़ है, यहाँ पे गांधीनगर बोल के जगह है बेलगाम में, हाईवे से करीब यहाँ पे आए हैं। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं और ये देखिए हमारा हाल भीग के तर हो चुके हैं, पूरे जूतों तक में पानी चला गया है। तो अभी निकल रहे हैं खाने के लिए। मुजम्मिल भाई का इंतज़ार है और मुजम्मिल भाई आएंगे तो फिर उनको लेके जाएंगे, शायद मास्टर शेफ या नियाज में जाए। तो चलो दिखाते हैं आपको, बने रहिए मेरे साथ में। और प्लीज़ अगर पसंद आए हमारा काम तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा